ह्यूमन फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स के बारे में। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स यानी कंजेनाइटल एनोमेली। कंजेनाइटल का बेसिकली मतलब होता है पैतृक, यानी जन्म के साथ में कोई भी जीन्स में अगर म्यूटेशन होता है तो उसकी वजह से कुछ जो चेंजेस अगर हार्ट से रिलेटेड आते हैं, जिसके लिए कोई जीन जो हार्ट फैक्टर्स के रिलेटेड होता है, तो उसकी वजह से कंजेनाइटल एनोमेली डेवलप हो जाती है हार्ट में, जिसकी वजह से हार्ट डिफेक्ट, कुछ हार्ट में फंक्शनिंग डिफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, तो हार्ट एंड इट्स एसोसिएटेड ब्लड वेसल्स आर माल फॉर्म्ड ड्यूरिंग फीटल लाइफ। डिफेक्ट इज नोन एज कंजेनाइटल एनोमेली। फीटल लाइफ यानी कि जब बच्चा यूट्रस में होता है, फीटल लाइफ होती है, उस कंडीशन में अगर ब्लड वेसल्स में कोई भी माल फॉर्मेशन होता है ड्यू टू एनी म्यूटेशन इन जीन्स, सो दैट्स कॉज कंजेनाइटल एनोमेली। अगर इसके हम टाइप्स के बारे में बात करें तो बेसिकली इनको तीन टाइप्स में डिवाइड किया। पहला है स्टेनोसिस ऑफ द चैनल ऑफ ब्लड फ्लो एट द सेम पॉइंट इन द हार्ट और इन द क्लोजली अलाइड मेजर ब्लड वेसल। या तो स्टेनोसिस से रिलेटेड यानी नैरोइंग ऑफ द वॉल्व, तो या तो ये वॉल्व में नैरोइंग होगी या फिर किसी अलाइड ब्लड वेसल में नैरोइंग होती है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो दो पार्ट आते हैं वो आता है कंजेनाइटल एओर्टिक वॉल्व स्टेनोसिस, दूसरा होता है कॉरेक्टेशन ऑफ एओर्टा। वॉल्व स्टेनोसिस में रिलेटेड होता है एवी वॉल्व्स और सेमिलुनर वॉल्व्स। कॉरेक्टेशन ऑफ एओर्टा मतलब एलाइड मेजर वेसल है जिसमें नैरोइंग हुई है। सो यूजुअली जो कंजेनाइटल एओर्टिक वॉल्व स्टेनोसिस है कॉज्ड बाय अदर वेल्वुलर लेजन्स एंड डेवलप सीरियस पल्मोनरी एडिमा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट जो है वो कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टेनोसिस की वजह से जितना ब्लड कम्प्लीटली बाहर की तरफ इजेक्ट होना चाहिए उतना नहीं हो पाता, और पीछे की यानी वेंट्रिकल्स के थ्रू, लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू जो ब्लड है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। ठीक है, और राइट वेंट्रिकल के थ्रू जो ब्लड है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाता है। अब अगर किसी वजह से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने वाला ब्लड उतना नहीं जा पा रहा स्टेनोसिस की वजह से, नैरोइंग ऑफ द वेसल वॉल की वजह से, वॉल्व की वजह से, तो जो अमाउंट ऑफ ब्लड है वो पीछे वाले सिस्टम में इकट्ठा होने लग जाता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो जाता है। पल्मोनरी वेसल से लिक्विड्स जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो जाता है। दूसरा, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। कॉरेक्टेशन ऑफ एओर्टा के बारे में अगर हम जानें तो इट ऑफन अकर नियर द लेवल ऑफ द डायफ्राम, अक्सर ये डायफ्राम के नज़दीक डेवलप होता है। कॉज ग्रेटर आर्टेरियल प्रेशर इन अपर पार्ट, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, कॉरेक्टेशन ऑफ एओर्टा का मतलब होता है कि जो एओर्टा की जो डायमीटर है उतना डायमीटर ना रह के उसमें नैरोइंग हो जाती है, तो जो ब्लड के फ्लो होने का स्पेस है वो कम हो जाता है। सबसे ज़्यादा ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है नियर द डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम लेवल के पास। अब अगर जहाँ नैरोइंग हो गई है किसी वजह से, जो कि कंजेनाइटल है, कॉज ग्रेटर एट्रियल प्रेशर इन अपर पार्ट, तो उसके ऊपर के पार्ट में जो है वो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाती है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। कहाँ के कंपैरिजन में? लोअर बॉडी के कंपैरिजन में। सपोज वेसल की नैरोइंग अगर यहाँ हुई है तो इसके जो ऊपर का जो पार्ट है यहाँ पे आर्टेरियल प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ होता है लोअर बॉडी के कंपैरिजन में। सो ड्यू टू दिस ग्रेट रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो थ्रू कॉरेक्टेशन ऑफ टू द लोअर बॉडी पार्ट, तो नैरोइंग होने से कंस्ट्रिक्शन ज़्यादा हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ब्लड को जितना स्पेस मिलना चाहिए था फ्लो होने का, उस स्पेस के उस स्पेस में उतना फ्लो नहीं हो पा रहा, उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में जाके उसको फ्लो करना पड़ रहा है, तो इसलिए प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं दूसरी टाइप के कंजेनाइटल एनोमेली की, तो उसमें दूसरा आता है लेफ्ट टू राइट शंट। लेफ्ट टू राइट शंट से मतलब समझिए, लेफ्ट साइड में हमको पता है लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रिया है, राइट वेंट्रिकल है।
ठीक है, तो ऐसी कोई भी एनोमली या कोई म्यूटेशन हो गया कंजेनाइटली दैट अलाउज ब्लड टू फ्लो बैकवर्ड बैकवर्ड, या तो फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट और द एओर्टा। यूजुअली लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है एओर्टा में, राइट वेंट्रिकल से जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, तो यूजुअली जो लेफ्ट साइड का पार्ट है हार्ट का, लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर एओर्टा से ब्लड का बैक फ्लो होता है, इसे बोलते हैं लेफ्ट टू राइट शंट टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट और पल्मोनरी आर्टरी, दस फेल टू फ्लो थ्रू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब अगर ऐसा होगा तो ब्लड जितना सिस्टमिक सर्क, अब यहाँ से जो ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से वो जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, तो अगर ऑलरेडी ब्लड का बैक फ्लो हो गया इस शंट की वजह से तो जितना अमाउंट ब्लड सिस्टमिक सर्कुलेशन में आना चाहिए उससे कम आता है। सो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। इस पे शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है, एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। टर्मिनोलॉजी से आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या बात है जिसमें लेफ्ट टू राइट शंट होता है उसकी वजह से क्या कंडीशन डेवलप होती है, दैट इज़ पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। अब पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस पे अलग से भी शॉर्ट नोट आता है, या कोई वाइवा वॉइस क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या कहना चाहते हैं। सो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस का क्या मतलब है कि ड्यूरिंग फीटल लाइफ जब बच्चा यूट्रस में होता है, सो लंग्स आर कोलैप्स्ड इस कंडीशन में, तो इससे दो चेंजेस आते हैं। तो पहला चेंजेस तो ये है, इलास्टिक कंप्रेशन ऑफ लंग्स दैट कीप्स द एल्वियोलाई कोलैप्स्ड। जो इलास्टिक कंप्रेशन है लंग्स का, उसकी वजह से लंग्स के में जो एल्वियोलाई है वो कोलैप्स हो जाते हैं। कीप मोस्ट ऑफ द लंग ब्लड वेसल कोलैप्स्ड एज वेल, जिसके साथ साथ बहुत सारी लंग्स की ब्लड वेसल्स भी कोलैप्स हो जाती हैं। कोलैप्स यानी जिसके थ्रू ब्लड रन होना है वो अब रन नहीं हो पा रहा, वो आपस में एक साथ जुड़ गई। ठीक है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो थ्रू द लंग्स इज हाई, और इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ से जिस हिसाब से ब्लड फ्लो आगे होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा, कॉज हाई पल्मोनरी आर्टरी इन प्रेशर। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है फीटस की उसमें हाई प्रेशर हो जाता है, कॉज ऑलमोस्ट ऑल पल्मोनरी आर्टेरियल ब्लड। साइमल्टेनियसली इसमें दूसरा क्यों चेंज आता है, वो आता है कि प्रेशर इन एओर्टा इन फीटस इज लोअर देन नॉर्मल, कि जो एओर्टा का जो प्रेशर है फीटस में, जो नॉर्मल प्रेशर है उसके कंपैरिजन में कम होता है। कितना कम होता है, लोअर देन द पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर। दिस ड्यू टू लो रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो फ्रॉम एओर्टा थ्रू लार्ज ब्लड वेसल्स ऑफ प्लेसेंटा, क्योंकि थ्रू फीटस के अंदर जो प्रेशर होता है एओर्टा का इस कंडीशन में वो कम हो जाता है, लो रेजिस्टेंस होता है ब्लड फ्लो का एओर्टा से थ्रू लार्ज वेसल्स ऑफ प्लेसेंटा, क्योंकि ये प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। सो ओवरऑल इन दोनों कंडीशंस की वजह से कॉज ऑलमोस्ट ऑल आर्टेरियल ब्लड प्रेशर टू फ्लो थ्रू अ स्पेशल आर्टरी प्रेजेंट इन फीटस। तो इस तरफ से तो पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर इंक्रीज है और इधर से एओर्टा का प्रेशर डिक्रीज है, तो ओवरऑल अब ब्लड सप्लाई किस तरह से होती है, इसके लिए एक स्पेशल आर्टरी जो है वो फीटस में बन जाती है दैट कनेक्ट्स पल्मोनरी आर्टरी विद एओर्टा। तो सपोज अगर ये एओर्टा है इधर से और यहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी जा रही है, तो इन दोनों के बीच में एक ब्लड वेसल बन जाती है जो कनेक्ट करती है पल्मोनरी आर्टरी आर्टरी और एओर्टा को। दिस इज नोन एज डक्टस आर्टेरियोसिस। ओके, इस आर्टरी को हम क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टेरियोसिस। दस बाईपासिंग, तो इस कंडीशन में अब जो ब्लड है वो बाईपास करता है लंग्स को, जैसे पल्मोनरी आर्टरी से सीधा एओर्टा में आ गया, तो यूजुअली पल्मोनरी आर्टरी से इसे लंग्स में जाना चाहिए था, लेकिन ये जो डक्टस आर्टेरियोसिस पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में डेवलप हुआ, तो उसकी वजह से इसमें लंग्स को लंग्स को बाईपास कर दिया एंड अलाउज इमीडिएट रीसर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द सिस्टमिक आर्टरीज ऑफ फीटस विदाउट द ब्लड गोइंग टू द लंग्स। और जो ब्लड है वो एओर्टा के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है बिना लंग्स में जाए हुए, यानी ऑक्सीजनेटेड नहीं होता। दिस लैक ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू लंग इज़ नॉट डेट्रीमेंटल टू फीटस।
अब लंग्स में अगर नहीं गया है तो ऑब्वियस ही बात है ऑक्सीजनेटेड नहीं हुआ, लेकिन फीटस की कंडीशन में ये जो चीज़ है, सो फीटल लाइफ में तो ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं करती। क्यों नहीं करती है? क्योंकि ब्लड इज़ ऑक्सीजनेटेड बाय प्लेजेंटा, ब्लड प्लेजेंटा से ऑक्सीजनेटेड आता है, ठीक है। बट क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस आफ्टर बर्थ इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। लेकिन फीटल लाइफ के बाद जैसे ही इन्फेंट होता है, 2 से 3 दिन में या उसके आने वाले जैसे भी उसकी कंडीशन सही हो, उस कंडीशन में इस डक्टस आर्टेरियोसिस को क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करते, इफ़ नॉट क्लोज, तो जैसे जैसे बच्चा ग्रो करेगा, डिफरेंशियल बिटवीन द हाई प्रेशर इन एओर्टा एंड लोअर प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी इंक्रीज, तो प्रेशर चेंजेस जो है वो एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में इंक्रीज होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से विद कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज टू बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, और इसके साथ साथ बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड बढ़ता चला जाता है फ्रॉम एओर्टा इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। कैसे, किस तरह से, ये जो आर्टरी बनी थी डक्टस आर्टेरियोसिस, उसकी वजह से जो एओर्टा, सपोज दिस इज़ एओर्टा और दिस इज़ पल्मोनरी आर्टरी, तो जो एओर्टा का ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में आता चला जाता है। और ये कंडीशन जब परसिस्ट करती है और अगर इसका ऑपरेशन सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं कराया जाता, सो दिस कंडीशन इज़ नोन एज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस इन इन्फेंट। नो एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स आर हियर्ड, लेकिन जैसे ही बच्चा ग्रो करता है, 1 से 3 साल की उम्र में आता है, हार्श ब्लोइंग मर्मर साउंड शुरू होता है सुनना इन पल्मोनरी आर्टरी एरिया ऑफ चेस्ट। कहाँ पे? चेस्ट में, जहाँ पल्मोनरी आर्टरी की पोजीशन होती है। दिस साउंड इज मोर इंटेंस ड्यूरिंग डायस्टोल व्हेन एओर्टिक प्रेशर फॉल्स टू लो। इस तरह का ये जो मर्मर साउंड है, ये किस तरीके का होता है? बहुत ही इंटेंस, तेज तरीके का होता है, और सबसे ज़्यादा ये सुनाई देता है डायस्टोल फेज में, जब एओर्टा का प्रेशर जो है फॉल्स होता है लो। इस कंडीशन में जिस समय डायस्टोल हो, एटिया का एओर्टिक प्रेशर जो है वो लो हो, एक साउंड इम्पॉर्टेंटली प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग डायस्टोल फेज, एंड दिस इज़ नोन एज इम्पॉर्टेंट नेम मशीनरी साउंड। इस पर MCQ पूछा जाता है, मशीनरी मर्मर बोलते हैं इसको। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के पेशेंट में ऐसा साउंड सुनने को मिलता है डायस्टोल की फेज में, और इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसके जो एरिया होता है जहाँ ये हेयर्ड होता है अच्छे से, दैट इज़ पल्मोनरी आर्टरी एरिया ऑफ द चेस्ट। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस का अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे तो इस तरीके का मशीनरी साउंड सुनाई देगा। इसका जो ट्रीटमेंट है, दैट इज़ सर्जिकल ट्रीटमेंट, लाइगेट द पेटेंट डक्टस डक्टस और डिवाइडेड, ठीक है, एंड देन क्लोज द टू एंड्स। यानी ये जो डक्टस आर्टेरियोसिस बना, इसको दोनों तरफ से लाइगेट करके उसको सर्जिकली दोनों एंड्स को क्लोज कर दें, तो एक तरफ से दूसरी तरफ का जो ब्लड का जो मूवमेंट है वो रुक जाएगा, ठीक है। इसको क्लोज कर देना इसका फाइनल ट्रीटमेंट होता है। सो दिस इज़ अबाउट पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, इसकी पैथोफिजियोलॉजी आपको मालूम होनी चाहिए। अब तीसरा इम्पॉर्टेंट तरीके की कंजेनाइटल एनोमैली आती है, दैट इज़ राइट टू लेफ्ट शंट, राइट टू लेफ्ट शंट। इस एनोमैली के अंदर दैट अलाउज ब्लड टू फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम राइट साइड ऑफ द हार्ट इनटू द लेफ्ट साइड एंड दस फेलिंग टू फ्लो थ्रू लंग्स। यानी जब राइट टू लेफ्ट शंट है, तो इसकी वजह से ब्लड जो है वो डायरेक्टली राइट साइड ऑफ हार्ट से लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट मूव करता है, फेलिंग टू फ्लो थ्रू द लंग्स, लंग्स में नहीं जा पाता। इस कंडीशन को बोलते हैं टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट, और बहुत इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, वाइवा वॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको दूसरी तरह से भी बोलते हैं ब्लू बेबी, ठीक है, इसको एक और संज्ञा दी है। ब्लू बेबी क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज द ब्लड बाईपास द लंग्स, तो जो लंग्स में बाईपास करता है ब्लड, वो ऑक्सीजनेटेड नहीं होता है, सो द एओर्टिक ब्लड इज मेनली अनऑक्सीजनेटेड वीनस ब्लड।
तो यूजुअली एओर्टा में जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, और पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है। लेकिन राइट टू लेफ्ट शंट में जो ब्लड है वो बाईपास करता है लंग्स को और सीधा राइट से लेफ्ट साइड में ट्रांसफर हो जाता है, और एओर्टा उसी अनऑक्सीजनेटेड वीनस ब्लड को बाहर सर्कुलेट करती है। तो इस कंडीशन में फोर तरीके की एबनॉर्मलिटीज़ जो हैं वो साइमल्टेनियसली एक के बाद एक आती हैं। पहली क्या आती है कि एओर्टा ओरिजिनेट्स फ्रॉम राइट वेंट्रिकल देन लेफ्ट, यानी ऐसा कोई कारण रहा हो कंजनाइटल डिफेक्ट का जिसमें एओर्टा जो है वो ओरिजिनेट हुई हो राइट वेंट्रिकल से देन लेफ्ट के बजाय, या ओवरराइड्स अ होल इन द सेप्टम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है यहाँ कोई होल है जिसकी वजह से ब्लड जो है मिक्स हो रहा है, रिसीव ब्लड फ्रॉम बोथ द वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो यानी ब्लड यहाँ मिक्स हो रहा है राइट टू लेफ्ट में, ऐसा कोई भी कंजनाइटल एनोमैली हो। दूसरा हो सकता है पल्मोनरी आर्टरी इज स्टीनोस्ड, अगर पल्मोनरी आर्टरी स्टीनोस्ड है तो जितना अमाउंट ब्लड सर्कुलेशन में जाना चाहिए उससे कम जाएगा क्योंकि वेसल जो है वो नैरो हो जाती है। लोअर अमाउंट ऑफ ब्लड पास फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स इन टू द लंग्स, तो जब वेसल में ब्लड कम आएगा ये है राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में अगर ब्लड कम जाएगा तो यहाँ से लंग्स में भी कम पहुँचेगा। सो मोस्ट ब्लड बाईपास डायरेक्टली टू एओर्टा बाई बाईपास द लंग्स, तो मोस्ट ऑफ द ब्लड जो है बाईपासली जो है लंग्स को बाईपास करते हुए कहाँ पहुँचता है, एओर्टा में, और ये एक दूसरा कारण हो सकता है। तीसरा हो सकता है ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, दो तरीके से ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल या तो डायरेक्टली इनटू एओर्टा में जाए, या फ्लो आइदर थ्रू अ वेंट्रिक्युलर सेप्टल होल, या फिर दोनों राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कोई सेप्टल होल के थ्रू ये ब्लड जो है वो शिफ्ट हो। सो इनटू राइट वेंट्रिकल देन इनटू एओर्टा, तो ये जो सेप्टल होल है इस सेप्टल होल के थ्रू जो है ब्लड या तो इस सेप्टल होल से फ्लो हो इनटू राइट वेंट्रिकल या डायरेक्टली इनटू एओर्टा में जाए। ठीक है, सो इन दोनों किसी भी कारणों से ये एनोमैली हो सकती है। चौथा कारण आ सकता है राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ब्लड अगेंस्ट हाई प्रेशर इन एओर्टा सो दैट द मस्कुलेचर इज़ हाईली डेवलप्ड, जब पंपिंग इफेक्ट ज़्यादा तेज़ी और से और ज़्यादा टाइम होता है तो मस्कुलेचर जो है वो डेवलप हो जाता है, ज़्यादा हाइपरट्रॉफी हो जाती है जिसकी वजह से एनलार्ज राइट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल जो है वो यूजुअली लेफ्ट वेंट्रिकल की कंपैरिजन में एनलार्ज हो जाता है। जैसे ये राइट वेंट्रिकल है ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो राइट साइड ऑफ हार्ट पंप लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ब्लड अगेंस्ट हाई प्रेशर इन एओर्टा द मस्कुलेचर इज़ हाईली डेवलप्ड कॉज एनलार्जमेंट ऑफ द राइट वेंट्रिकल। तो ये सारे कारण जो है साइमल्टेनियसली आते हैं जब पर्सन जो क्या कहते हैं पेशेंट है सफ़र फ्रॉम टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट, इसको दूसरी तरीके से भी बोला जा सकता है राइट टू लेफ्ट शंट, किसी भी नाम से एमसीक्यू आ सकता है, किसी भी तरह से आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन या शॉर्ट नोट या वाइवा वॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अगर आपको इसकी फिजियोलॉजी मालूम है तो आप बता पाएंगे। नाउ इसका डायग्नोस कैसे हो सकता है कि बेबी की स्किन जो है वो साइनोटिक होती है, ब्लू होती है, हाई सिस्टोलिक प्रेशर इन राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है, सिस्टोल के टाइम पे राइट वेंट्रिकल का प्रेशर हाई होता है, एनलार्ज राइट वेंट्रिकल शोड इन रेडियोलॉजिकल फ्लोरोसेंस ऑफ हार्ट, जो रेडियोलॉजिकल अपना इसका इन्वेस्टिगेशन है सिलहॉश ऑफ हार्ट, तो इसमें जो वेंट्रिकल है राइट साइड का वो कैसा दिखाई देगा, एनलार्ज दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, हमने बताया आपको मस्कुलेचर डेवलप हो जाता है अगेंस्ट द लार्ज पंपिंग। ठीक है, अगर एनजियोग्राम्स कराएं एक्सरे ग्राफिक्स कराएं तो शो एबनॉर्मल ब्लड फ्लो थ्रू इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टल होल एंड इनटू द ओवरराइडिंग एओर्टा एंड मच लेस फ्लो थ्रू द स्टीनोस्ड पल्मोनरी आर्टरी, यानी एनजियोग्राम एक्सरे पिक्स में अगर इस तरीके का कोई एबनॉर्मल ब्लड फ्लो शो कर रहा है जिसमें कि इंटर दोनों वेंट्रिकल जैसे ये लेफ्ट वेंट्रिकल ये राइट वेंट्रिकल सेप्टल होल के थ्रू ब्लड जो है वो बाईपास कर रहा है, दूसरा मच लेस फ्लो थ्रू द स्टीनोस्ड, तो ऑलरेडी स्टीनोस्ड पल्मोनरी आर्टरी से कम अमाउंट में ब्लड जो है वो आगे फ्लो कर रहा है। तो इस तरीके के डायग्नोसिस जब आते हैं तो ट्रीटमेंट के लिए आगे फर्दर
ये माना जाता है कि द पर्सन और द पेशेंट सफर फ्रॉम टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट है इसका, यूजुअल ऑपरेशन इज़ टू ओपन पल्मोनरी स्टेनोसिस, या तो पल्मोनरी स्टेनोसिस को हटा दे या क्लोज सेप्टल डिफेक्ट, दोनों के बीच में जो ये सेप्टल होल बना हुआ है इसको बंद कर दिया जाए, रिकंस्ट्रक्ट द फ्लो पाथवे इनटू द एओर्टा, और दूसरा पाथवे बनाया जाए एओर्टा के लिए जिससे जो ब्लड है वो सर्कुलेशन में जाए। तो पहले जो है ब्लड लंग्स को बाईपास ना करे, लंग्स से होता हुआ फिर सर्कुलेटरी सिस्टम में मूव ऑन करें। सो दीज ऑल थ्री आर द इम्पॉर्टेंट कंजेनाइटल एनोमैली ऑफ हार्ट। तीनों को एक ही चैप्टर में बताना इसीलिए ज़रूरी है कि इसमें क्या डिफरेंस होते हैं और इनकी क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है, ये आपको एक साथ समझ में आएगी तभी आप इसका आंसर अच्छे से कर पाएंगे। होप यू वुड लाइक द लेक्चर, आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। अगर आपको चैप्टर समझ में आया है तो इसी से जुड़े ऐसे ही और चैप्टर्स को पढ़ने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।